हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने अकाउंटिंग चैनल अकाउंटिंग गुरु जी में, जिसमें हम सिखा रहे हैं आपको टेली प्राइम स्टेप बाय स्टेप। जो हमारी डेली क्लास चल रही है, आपको हम टेली प्राइम सिखा रहे हैं, जो कि टेली का लेटेस्ट वर्जन आया है। तो डेली शाम को 7 बजे आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं हम, और शाम को 7 बजे आप जो है आपको डेली वीडियो मिल जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कि हम टेली में क्रेडिट परचेज कैश की एंट्री कैसे करते हैं। हम परचेज की एंट्री करते हैं, यानी कि एक कैश की करते हैं, क्रेडिट परचेज करते हैं। तो जो हमने टॉपिक पकड़ा है आज, वो है क्रेडिट परचेज की एंट्री हम कैसे करेंगे। उसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप आपको मैं बताऊँगा। तो जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ पर इस वक्त है गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पर आपको जाना होगा अकाउंटिंग वाउचर में, क्योंकि मैं वाउचर में एंट्री करनी है। तो हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, आप एंटर प्रेस करेंगे, आपके सामने आ गया है पेमेंट वाउचर ओपन हो गया है। अब आपको ओपन करना है परचेज का वाउचर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राइट साइड में बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि F4 जो है कॉन्ट्रा के लिए है, रिसिप्ट के लिए F6, जनरल के लिए F7, सेल्स के लिए F8, परचेज के लिए F9, और बाकी शॉर्टकट कीज यहाँ पर दे रखी है। तो हमारे इस वक्त खुला हुआ है पेमेंट वाउचर, हमें जाना है परचेज वाउचर पर। तो या तो हम सिंपली यहाँ पर क्लिक करके खोल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस करेंगे तो आपके सामने परचेज वाउचर जो है ओपन होकर आ जाएगा। परचेज वाउचर में आप देख सकते हैं परचेज यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 1, सप्लायर्स इनवॉइस नंबर हम डालेंगे अपने तरफ से, जो भी हम परचेज करेंगे उनका जो बिल नंबर होगा यहाँ पर हम वो डालेंगे, और उस दिन की डेट, पार्टी का नाम, परचेज अकाउंट, और उसके बाद ये फॉर्मेट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, इसके अकॉर्डिंग हम परचेज इसमें करेंगे। तो जैसे कि हमने कोई माल परचेज करा, तो उसका सप्लायर नंबर जो है आपको बिल के ऊपर मिल जाएगा। जो भी बिल के ऊपर सप्लायर नंबर होगा, यानी कि जो उसके बिल का नंबर होगा, आपको यहाँ पर एंटर करना है। मान लीजिए सप्लायर नंबर था वो है 1580, और डेट जो है 1 अप्रैल 2021 की ही है। उसके बाद जब आप एंटर करेंगे तो आपको पार्टी सेलेक्ट करनी है। पार्टी सेलेक्ट करेंगे, यानी कि हमने सेलेक्ट कर ली राघव ट्रेडर्स, ये हमने सेलेक्ट कर ली। अब मैं आपको बताता हूँ कि राघव ट्रेडर्स का जो अकाउंट है वो किस टाइप का है, मतलब वो कहाँ से बिलोंग करता है, इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। तो मैं बताता हूँ, कुछ सिंपल आपको जो है कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है, और आप जो है इसका लेजर यहाँ से ओपन कर लेंगे डायरेक्टली। ये शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एंटर। आप देख सकते हैं राघव ट्रेडर्स है, जो कि सेंट्री क्रिएटर में डाला है हमने, क्योंकि हम इनसे परचेज कर रहे हैं इसलिए हमने इसको सेंट्री क्रिएटर में डाला है। आपका एड्रेस जब इसमें देखेंगे तो ये सहारनपुर से बिलोंग करता है, यानी कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। तो जो हम इस पर चार्ज करेंगे वो करेंगे हम CGST और SGST, क्योंकि ये एक ही स्टेट में हम परचेज कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट एक तरह से परचेज कर रहे हैं। तो हम CGST और SGST चार्ज करेंगे। उत्तर प्रदेश का है, और आप GST नंबर भी दे सकते हैं, इसका 09 से शुरू होता है, तो ये उत्तर प्रदेश का है। तो एंटर करने के बाद आपके सामने डिटेल आ गई, रिसिप्ट नोट है, रिसिप्ट की डिटेल्स है, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग जो भी आप डाल सकते हैं। अगर आपका बाय हैंड माल लाया है तो मोटर व्हीकल नंबर आप डाल सकते हैं, अगर आप ट्रांसपोर्ट से आया तो आप उसका डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद आ जाएगी पार्टी डिटेल्स। पार्टी डिटेल्स में आपको इसका एड्रेस शो होगा, इसका GST नंबर शो होगा, और पूरा जो भी इसका एड्रेस है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद एंटर करेंगे, और इसके बाद आ जाएंगे आप परचेज लेजर। परचेज लेजर मैं पहले ही आपको पिछली वीडियो में मैंने परचेज और सेल के लेजर कैसे क्रिएट करते हैं वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और सेंडरी क्रिएटर्स और सेंडरी डेटर्स, इनके बारे में भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पे जाकर आप इस वीडियो को देखें, और उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखें, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको ज़्यादा अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो परचेज लेजर है, तो हमें परचेज़ में सेलेक्ट करना होगा। परचेज में सेलेक्ट करने के बाद हमने 2-4 आइटम क्रिएट करी है, जो रेडीमेड की आइटम है, जैसे कि जीन्स है, शर्ट है, टी शर्ट है, ये आइटम मैंने क्रिएट की रखी है। तो जैसे कि आप जैसे कोई भी आप की प्रेस करेंगे तो आपके सामने, जैसे कि मैंने GS सेलेक्ट करा तो ये जीन्स जो आइटम आ गई। अगर आप इसके अलावा कोई भी की सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये सारी आइटम्स आ जाएंगी, डेनिम पैंट्स है,
शर्ट है, टी शर्ट है और ये टी शर्ट शर्ट जेंस और डेनिम पैंट, ये चार आइटम मैंने क्रिएट कर रखी है। तो मैं सबसे पहले जींस सेलेक्ट डेनिम पैंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इसको लेजर कैसे क्रिएट कराया है। आपको सिंपली कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है और आप डायरेक्ट जो है स्टॉक के लेजर में आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टॉक आइटम ऑल्टरेशन, एक तरह से ऑल्टर का भी शॉर्टकट की है। डेनिम पैंट का मैंने लेजर क्रिएट किया है जो कि अंडर है प्राइमरी यूनिट्स में मैंने डाला है पीसेस, क्योंकि हम पीसेस में ही परचेज करेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल में मैंने यस करके आपको दिखा देता हूँ। एचएसएन कोड मैंने डाल दिया है जो 6 डिजिट का होता है एचएसएन कोड, ये मैं डाल चुका हूँ। टैक्सेबल है, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल है, टैक्स टाइप इंटीग्रेटेड टैक्स 5% है और सेंट्रल स्टेट टैक्स जो है इसका हाफ हाफ हो जाएगा, यानी कि 2.5%। स्टॉक आइटम के ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। तो इस तरह से मैंने इसका जो है लेजर क्रिएट किया था। अब हम शुरू करते हैं परचेजिंग। डेनिम पैंट्स है, राघव ट्रेडर से मैंने पैंट परचेज करी है। मान लीजिए मैंने 100 पीस परचेज किया है जिसका रेट है 300 रुपये, तो ये आ गया। उसके बाद हम जीन्स ले लेते हैं, 50 पीस हमने परचेज किया है 500 रुपये के हिसाब से। शर्ट 50 पीस 300 के हिसाब से और टी शर्ट जो कि अभी प्रोडक्ट करे है 200 पीस 200 के हिसाब से। तो ये मैंने चारों के चारों आइटम्स जो है परचेज़ की वो मैंने एंटर कर दी है। आप देख सकते हैं क्वांटिटी है, रेट है और अमाउंट है। उसके बाद जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये दोबारा जो है आइटम वाली कॉलम पर आ गया है। आपको इसमें GST ऐड करनी है तो आपको जो है एक एंटर और प्रेस करना होगा, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे। अब आपको क्योंकि राघव ट्रेडर्स जो है उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करता है, यानी कि आप अपने ही स्टेट में परचेज कर रहे हैं, तो इसमें आप CGST और SGST चार्ज करेंगे। तो मैं दिखाया था आपको, आप जो CGST चार्ज करेंगे तो देखिए CGST आ चुका है 2750 रुपये। एंटर प्रेस करेंगे SGST भी आ चुका है 2750 रुपये, यानी कि टोटल जो ग्रॉस टैक्सेबल वैल्यू थी ये देखिए, ये जो है 110,000 रुपये, ये आपकी टैक्सेबल वैल्यू जो GST जो इसने कैलकुलेट किया है वो इसी अमाउंट पर किया है। तो मैं आपको जो है कैलकुलेट पर भी एक बार आप कैलकुलेटर्स में आपको मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। जो कि टैक्सेबल वैल्यू है वो है 110,000 रुपये, आप 110,000 इसमें डालेंगे, 110,000 आ गया है इंटू 2.5% इज इक्वल टू ये आ गया 2750 रुपये, यानी कि आपका जो है टैक्स जो आपने कैलकुलेट किया है वो बिल्कुल सही है। 110,000 का 2.5% हो गया 2750 रुपये, तो ये आपका आधा आधा हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा CGST में 2750 रुपये और SGST में 2750 रुपये। तो आप इसको सिंपली एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद प्रोवाइड GST ईवेबल डिटेल्स, क्योंकि आप माल परचेज कर रहे हैं, आप इम्पोर्ट कर रहे हैं तो आपको ईवेबल की ज़रूरत नहीं होती। ईवेबल जो है वो एक्सपोर्ट के लिए है, जब आप बाहर कहीं माल एक्सपोर्ट करते हैं अगर आपकी वैल्यू 50,000 से ऊपर है तो ये तब एप्लीकेबल होता है। तो फिलहाल इसको नो कर देंगे और एंटर प्रेस करने के बाद आपका जो ये न्यू रेफरेंस नंबर आ जाएगा टाइप ऑफ रेफरेंस, आप इसको एंटर एंटर करके सिलेक्ट कर लेंगे। और आपको अगर नरेशन डालनी है कोई भी तो आप नरेशन डाल सकते हैं, उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आपको सिंपली जाना होगा डिस्प्ले पर, ये डिस्प्ले आ गई, उसके बाद अकाउंट्स बुक और उसके बाद परचेज रजिस्टर पर। परचेज रजिस्टर में आपके ये बिल दिख रहा है 1,15,500 का, आप इस पर एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं राघव ट्रेडर्स जिससे हमने जो है 400 पीस ये चार आइटम परचेज की थी उसका बिल आपको दिख रहा है। टैक्सेबल वैल्यू 1,10,000 रुपये, उसके GST बैठता है इतने का। अगर आप जो है इसके डिटेल्स में टैक्स देखना चाहते हैं तो आपको साइड में ऑप्शन दिख रहा होगा रिलेटेड रिपोर्ट्स, या आप इसको शॉर्टकट भी कंट्रोल ओ के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। जब मैं कंट्रोल ओ प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं GST टैक्स एनालिसिस दिख रहा है, स्टॉक क्वेरी दिख रही है, या मैं इसकी शॉर्टकट की आप बता देता हूँ। आप इसको ऑडिट प्लस ए के साथ भी आप इसको कर सकते हैं, तो आपका आ गया GST टैक्स एनालिसिस। मोर डिटेल्स के लिए आप कंट्रोल प्लस F1 सेलेक्ट करेंगे तो आपको
पूरी डिटेल्स यानी कि आइटम वाइज आपका कितना कितना टैक्स कैलकुलेट हुआ है वो दिख जाएगा। जैसे कि हमने डेनिम पैंट जो परचेज़ करी थी, इसकी टैक्सेबल वैल्यू थी 30,000, 30,000 का 2.5% हो गया 750, 750। उसके बाद जीन्स की जो टैक्सेबल वैल्यू थी 25,000, इसका आपका 2.5% हो गया 625, 625। शर्ट की जो टैक्सेबल वैल्यू थी 15,375, और टी शर्ट की 40,000, 1,000 रुपये। ये आपकी आप डिटेल्स में भी, डिटेल में आप सबका जो आपकी जितनी भी आइटम है उस पर कितना कितना टैक्स कैलकुलेट हुआ है आप सेपरेटली भी देख सकते हैं। इसके बाद हम एक परचेज की एंट्री करेंगे जिसमें हम करेंगे इंटर स्टेट परचेज, यानी कि अपने स्टेट से बाहर की। तो आप सप्लाई इनवॉइस में जो भी आपको मिलेगा आप उसमें डाल दीजिएगा। और जो हमारी पार्टी है वो है रामचंद्रन्स। मैं इसके बारे में आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल प्लस एंटर के साथ आप इसका अकाउंट ओपन कर लेंगे। सन्ड्री क्रिएटर्स में मैंने इसको डाल दिया है जो कि सूरत से बिलोंग करता है, गुजरात से, यानी कि हमारे स्टेट से बाहर है। इसका जीएसटी नंबर आप देख सकते हैं 24 इसका कोड है और बाहर के स्टेट से बिलोंग करता है। एंटर प्रेस करेंगे, इसको भी आप एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपकी पार्टी डिटेल्स जो है जो दिख जाएगी गुजरात में। परचेज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप दोबारा से सब वही जिनसे वही सब आइटम आप परचेज करेंगे। 10 पीस 500 के हिसाब से कर लिए, टी शर्ट 50 पीस 250 के हिसाब से, उसके बाद मैंने सारी आइटम परचेज़ कर ली है। अब बारी है टैक्स लगाने की, टैक्स कैलकुलेट करने की, क्योंकि रामचंद्र एंड सन्स जो है बाहर के प्रदेश से रिलेटेड है तो हम इस पर IGST टैक्स का वो IGST चार्ज करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद देखिए अगर आप इस पर CGST लगाना चाहें तो ये देखिए कैलकुलेट नहीं करेगा, क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो इंटर स्टेट की पार्टी है तो इस पर CGST कैलकुलेट नहीं करेगा। आपको IGST कैलकुलेट करना होगा। जैसे मैं IGST कैलकुलेट करता हूँ तो देखिए 2500 रुपये जो 50,000 हमारी टैक्सेबल वैल्यू है, 50,000 का 2500 रुपये मैं आपको दिखा देता हूँ। 50,000 इंटू 5% इज इक्वल टू 2500 रुपये जो है इसका 5% के हिसाब से IGST के रूप में टैक्स जो है हमने चार्ज कर लिया है। तो आप एंटर प्रेस करेंगे सिंपली और एंट्री को सेव कर लेंगे। वापस चलते हैं सेल रजिस्टर में जिसकी शॉर्टकट की है DAP। तो आप देखेंगे रामचंद्र एंड सन्स से जो हमने परचेज किया है, जब आप इसकी टैक्स एनालिसिस देखेंगे आप ऑल्ट के साथ कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस ए के साथ आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट प्लस F1 के साथ इसको डिटेल में देखेंगे तो आप देख सकते हैं सर 5% चार्ज किया है। जीन्स जो है 5,000 की है, फिर 5% चार्ज हुआ है 2.5%। टी शर्ट 12,500 की टैक्सेबल वैल्यू है 625 रुपये, शर्ट 30,000 की टैक्सेबल वैल्यू है 1500 रुपये, और डेनिम जो है 2500 रुपये की टैक्सेबल वैल्यू है तो 125 रुपये। यहाँ आप डिटेल में सबका जो है सेपरेटली टैक्स डिटेल्स देख सकते हैं। परचेज की एंट्री के और भी तरीके हैं, आप दूसरे तरीके से भी परचेज कर सकते हैं। जो हम फिलहाल तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं वो है आइटम वाइज हम परचेज कर रहे हैं, क्योंकि यही चल रही है आजकल, आइटम वाइज ही सबसे ज़्यादा जो है बेनिफिशियल है। अगर आप दूसरे मोड में देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं साइड में आपको दिखेगा चेंज मोड, या फिर कंट्रोल एच के साथ ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आज जो देख सकते हैं आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस या फिर एज वाउचर। फिलहाल जो हम एंट्री कर रहे थे वो आइटम इनवॉइस में कर रहे थे। अगर आप अकाउंटिंग इनवॉइस सेलेक्ट करते हैं तो देखिए आपको जो है इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। आपको जो है इसमें क्वांटिटी नहीं दिखाई देगी, आपको इसमें रेट कॉलम दिखाई देंगे, रेट और अमाउंट और सिर्फ पार्टी का लेजर नेम। परचेज अकाउंट भी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टली परचेज अकाउंट में चली जाएगी। तो अगर आपको इसमें नीड अगर इसकी नीड पड़ती है तो आप इसमें भी एंट्री कर सकते हैं। तीसरा जो इसका ऑप्शन था वो था एज़ वाउचर यानी कि डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से। आप सिंपली जो है जो सिंपल जो जर्नल एंट्रीज आप करते हैं उसमें डेबिट और क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू दिस, परचेज अकाउंट डेबिट टू दिस,
इस तरह से भी अगर आप एंट्री करना चाहें तो कर सकते हैं। सेल परचेज की एंट्री जो आपने देखनी है वो मैंने आपको दिखा दी है परचेज रजिस्टर में। अगर आप लेजर में जाकर देखना चाहते हैं यानी कि पार्टी के अकाउंट पर जाकर देखना चाहते हैं तो आपको सिंपली डिस्प्ले पर जाना है, अकाउंटिंग बुक्स एंड लेजर। जिससे हमने परचेज किया था वो था राघव ट्रेडर्स के अकाउंट में एक बिल दिखा रहा है, और जो दूसरी पार्टी थी वो आती है हमारी रामचंद्र एंड सन्स के लेजर में भी एक बिल दिखा रहा है। आप यहाँ से भी जाकर डायरेक्टली बिल को देख सकते हैं। तो ये थी क्रेडिट परचेज की एंट्री। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सही से समझ में आई होगी। तो स्टेप बाय स्टेप टैली सीखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और जो भी आपके ग्रुप में जितने भी फ्रेंड्स हैं ज़्यादा से वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी टैली प्राइम जो है स्टेप बाय स्टेप सीख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।